अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। टुडे आवर फर्स्ट लेक्चर सब्जेक्ट साइंस। साइंस मीन्स लर्निंग और नॉलेज। हमारी डेली लाइफ में, हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ में साइंस यूज़ हो रही है। हम जितने भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में, अपने घरों में, कोई भी टेक्नोलॉजीज़ है, मशीनरी वगैरह जितने भी यूज़ कर रहे हैं, वो किसकी बेस पे? साइंस की बेस में। सो साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स मेक एंड हाउ थिंग्स वर्क। सो साइंस मीन्स लर्निंग और नॉलेज। टुडे यूनिट 1, द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग का स्ट्रक्चर है डैट मेड ऑफ डिफरेंट सेल, एंड ह्यूमन बॉडी इज़ अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। क्या है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर? कम्प्लेक्स मीन पेचीदा, जो कि डिफरेंट सेल से मिलकर बना होता है। सो ह्यूमन बॉडी इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बींग एंड इट इज़ अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डैट मेड ऑफ डिफरेंट सेल्स। नेक्स्ट हमारी न्यू टर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज़ अ ब्रेन। ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी और ह्यूमन बॉडी ऑर्गन। ऑर्गन ऐसे सिस्टम को कहते हैं जो हमारी बॉडी में फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन हो रहा है तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ऑर्गन सिस्टम। सो ब्रेन इज़ अ ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन। सो ब्रेन कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस इन आवर बॉडी। ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी एंड इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडी। नेक्स्ट वन है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हम कोई भी फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होती है, और वो डाइजेस्ट कहाँ पे होती है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ह्यूमन बॉडी हैज़ टू इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पर हमारी फूड, जो हम खाना खाते हैं, जो खुराक हमारी बॉडी में जाती है, वो वहाँ जाके डाइजेस्ट होती है। नेक्स्ट है लिंक्स। लिंक्स मीन कनेक्ट्स। एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ जो कनेक्शन होता है, डैट इज़ कॉल्ड लिंक्स। हम अपने मोबाइल को, लैपटॉप्स को चार्ज करते हैं, तो उसको चार्ज करने के लिए हम पहले से किससे कनेक्ट करते हैं? चार्जर से। तो मोबाइल का जो चार्जर से लिंक है, कनेक्शन है, डैट इज़ कॉल्ड लिंक्स। नेक्स्ट वन इमोशन। इमोशंस आर फीलिंग्स। कोई भी हमारी खुशी की, भूख की, गुस्से की, सैड की, जब हम उदास होते हैं, खुश होते हैं, नाराज़ होते हैं, या हमें भूख फील होते हैं, दीज आर द फीलिंग्स और इमोशंस। वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस आर टू एंड फ्रो मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट जो बार बार पैदा हो, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ, जो बार बार मूवमेंट पैदा होती है, हरकत पैदा होती है, डैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशंस। नेक्स्ट वन इज़ अ डाइजेशन। डाइजेशन इज़ अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। अब हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो रही है, डाइजेस्ट कौन कर रहा है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारी जो फूड डाइजेस्ट हो रही है, वो कैसे डाइजेस्ट हो रही है? वो ब्रेक डाउन होती है छोटे छोटे पीसेज में, देन वो डाइजेस्ट होती है। और उसको डाइजेस्ट कौन कर रहा है, ब्रेक डाउन कौन कर रहा है? हमारा डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन के थ्रू जो फूड है वो ब्रेक डाउन होती है। नेक्स्ट वन इज़ इलास्टिक टिश्यूज। टिश्यूज विच कैन कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इलास्टिक है ऐसे टिश्यूज़ जो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी, जिनमें मूव करने की भी कैपेबिलिटी होती है और रिलैक्स करने की भी। नेक्स्ट वन है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स मीन्स सेल ट्रांसफरिंग मैसेज। अब हमारी बॉडी में जो फंक्शंस परफॉर्म हो रही हैं, वो उनमें मैसेजेस भी ट्रांसफ़र होता है, और मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? नर्व सेल्स के थ्रू। एक बॉडी पार्ट से जब दूसरे बॉडी पार्ट में मैसेज को ट्रांसफ़र करना होता है, तो क्या होते हैं? नर्व सेल्स वो उस मैसेज को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। तो सो नर्व सेल इज़ अ सेल ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दीज आर द न्यू टर्म्स। इनको आपने अच्छी तरह लर्न करना है और अपनी नोटबुक पर लिखना है। और जब आपने इनको अच्छी तरह लर्न करना है, तो इनके स्पेलिंग को भी लर्न करना है। स्पेलिंग को लर्न करके फिर आपने अपनी नोटबुक को में लिखना है इसको। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।